हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई व्हीकल्स है वो जब हॉरिजॉन्टल रोड पर ना जा करके हम रोड की बैंकिंग क्यों करते हैं। बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है, रोड की बैंकिंग क्यों की जाती है। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। कल इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ए व्हीकल्स ऑन ए लेबल रोड, वहाँ पर हमने लेबल रोड में डिस्कस किया था। यहाँ पर हम बैंक्ड रोड की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठ रहा होगा, ये बैंकिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, रोड की बैंकिंग का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बैंकिंग ऑफ द रोड देखेंगे कि रोड की बैंकिंग क्या होती है, उसके बाद फिर और डिस्कस करेंगे। आइए देखें, हेडिंग है सर्कुलर मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक्ड रोड। एक बैंक्ड रोड के ऊपर किसी कार की सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले आइए देखें बैंकिंग क्या होती है। देखिए ए बी एक रोड है, ए बी देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल रोड है, ए बी एक हॉरिजॉन्टल रोड है। अब हमने क्या किया, ए बी में बी इसका आउटर एज है, ए इसका इनर एज है। ए बी एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिसमें बी इसका आउटर एज है, बाहर वाला किनारा है, ए इसका इनर एज है, अंदर वाला किनारा है। अब हमने क्या किया, बी वाले एंड को एक रेस्पेक्ट में हमने इंक्लाइंड कर दिया, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा दिया। मीन्स हमने आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा थीटा एंगल ऊपर उठा दिया। तो इसी को बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड बोलते हैं। और जितने एंगल से इसको रेज कर दिया जाता है वो एंगल ऑफ बैंकिंग कहलाता है। तो किसी रोड के आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में स्लाइटली रेज कर देना बैंकिंग ऑफ द रोड कहलाता है। और जितने एंगल से इसको उठा दिया जाता है उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। तो जब रोड बनने लगता है, जहाँ पर क्रॉसिंग होती है या चौराहा होता है, वहाँ पर रोड में बाहर की तरफ ज़्यादा चारकोल डाल देते हैं, तो वो थोड़ा ऊंचा हो जाता है, एलिवेटेड हो जाता है। और अंदर वाला जो पोर्शन है रोड का वो थोड़ा स्लोप पा जाता है। इसी को बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। क्या, बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बैंकिंग ऑफ रोड को कैसे डिफाइन करेंगे। द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड मीन्स किसी कर्व्ड रोड के आउटर एज को रेज करना मीन्स उठाना। आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड एबव इट्स इनर एज। इनर एज ये है, आउटर एज ये है। मीन्स किसी रोड के आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में ऊपर उठाना, रेज करना, इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। उसे क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड। तो द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व्ड रोड एबव इट्स इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। किसी रोड के आउटर एज को इनर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा देना बैंकिंग ऑफ द रोड कहलाता है। तो यहाँ पर हमने ए डैश बी डैश जो है वो ए डैश तो जहाँ रहा वहीं किया, बी डैश को या हाइट से ऊपर उठा दिया थीटा एंगल से। रोड की चौड़ाई यहाँ विथ ऑफ द रोड डी है, या हाइट इसे इलिवेट किया गया है, थीटा एंगल ऑफ इलिवेशन है। अब एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, द एंगल थ्रू व्हिच आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड एबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। मीन्स जितने एंगल से आउटर वाले एज को इनर के रेस्पेक्ट में हम ऊपर उठा देते हैं उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। द एंगल थ्रू व्हिच आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड इज रेज्ड और एबव द इनर एज इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। मीन्स आउटर एज को इनर के रेस्पेक्ट में जितने एंगल रेज कर देते हैं उसे एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं। काज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड की क्यों जाती है, इसका रीजन सुन लीजिए। पहले मैं बता दूं तो फिर एक्सप्लेन करूं। देखिए अभी इसके प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि जब कोई कार है या कोई व्हीकल्स है किसी रोड पर टर्न करती है,
तो टर्न होने के लिए उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स रोड और टायर के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स से मिलता है, लेकिन हम हमेशा फ्रिक्शन फोर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स पर हमेशा रिलायबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर रोड गीला है या वो रेनी डे है तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूज हो जाता है और हमें जो है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, जो फ्रिक्शन की वजह से टायर की वेयरिंग एंड टीयर होती है, मीन्स वह उनकी जो है टूट फूट ज़्यादा होती है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रोड की बैंकिंग कर देते हैं कि चाहे जैसे हम टर्न करें हमें हर हालत में सेंट्रीपिटल फोर्स मिल ही जाए और हम सेफली टर्न कर लें। तो आइए देखते हैं काज ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, रोड की बैंकिंग क्यों की जाती है। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन कंडीशन ऑफ रोड, मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो रोड की कंडीशन पर डिपेंड करती है। इफ रोड इज वेट, अगर रोड गीला है, वेट मतलब गीला है, बरसात हुई है, रेनी सीजन है, स्लिपरी है, इट रिड्यूस्ड फ्रिक्शन, इससे फ्रिक्शन रिड्यूज हो जाता है। सो वी ऑलवेज कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शन, इसलिए हम हमेशा फ्रिक्शन पर भरो डिपेंड नहीं रह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को अपटेंड करने के लिए। सो फॉर सेफ टर्निंग एंड गेटिंग रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स रोड आर बैंड, इसलिए सेफ टर्न होने के लिए और रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को अपटेंड करने के लिए रोड की बैंकिंग कर दी जाती है। सेकेंड रीजन क्या है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स, जो फ्रिक्शन है उसे टायर्स की वियरिंग और टीयरिंग होती है, मीन्स उनकी टूट वो उनका लॉस होता है। टू रिड्यूस इट्स रोड्स आर बैंक, इसको भी रिड्यूस करने के लिए हम रोड की क्या कर देते हैं, बैंकिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बैंकिंग कर देते हैं। तो दो रीजन हो गया, एक तो हम रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स पाने के लिए जिससे हमें फ्रिक्शन पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, दूसरे टायर्स की वियरिंग और टीयरिंग को बचाने के लिए रोड्स को बैंक्ड कर दिया जाता है या बैंकिंग कर दी जाती है। ऑन बैंकिंग, अब बैंकिंग करने से हो क्या जाता है, क्या हमें बेनिफिट होता है। बैंकिंग करने से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है हॉरिजॉन्टल रोड के केस में, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स केवल वेट को बैलेंस करता है बॉडी के, लेकिन जब बैंकिंग कर दी जाती है तो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगता है। बैंकिंग कर देने पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देने लगता है सेफ टर्निंग के लिए। ऑन बैंकिंग द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, जब हम बैंकिंग कर देते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें केवल फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। आइए हम देखें, डायग्राम देखें। देखिए ए बी को एक रोड था, ए बी एक रोड था जिसको बैंकिंग कर करके ए बी डैश कर दिया गया है, थीटा एंगल इसको बैंक कर दिया गया है, एच जो है इसकी एच हाइट से इसको बैंक किया गया है और डी जो है रोड की विड्थ है। अब आप देखिए ये कोई एक कार है, ये कार के हमने फ्रंट व्हील सामने वाले पहिए केवल दिखाए हैं, ये कार है, कार का ये फ्रंट व्हील है, एम जी कार का वेट है, वो थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग की किसी रोड पर मूव कर रही है। अब आइए देखें इस पर फोर्सेज कौन कौन से लगेंगे। एक कार का वेट W इक्वल टू एम जी डाउनवर्ड लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों व्हील्स पर लगेगा, लेकिन हमने व्हील्स पर ना दिखा करके इसको यहाँ पर दिखाया है, इस पॉइंट को हम O मान ले रहे हैं, हमने O पॉइंट पर दिखाया है। ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हील पर लगेंगे जिनको हमने कंबाइंड रूप से यहाँ पॉइंट O पर दिखाया है, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकल से कुछ एंगल बनाते हुए लगेंगे, थीटा एंगल जितना ये एंगल ऑफ बैंकिंग है इतना एंगल बनाते हुए ये वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा, एक वेट एक्ट करेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो थ्री फोर्सेज एक्ट करेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक वेट और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वेट वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकल से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होगा
और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग डाउनवर्ड होगा। अब आइए देखें, अगर हम इस फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को रिजॉल्व कर दें तो एक आ जाएगा यन कॉस थीटा, एक आ जाएगा यन साइन थीटा। यन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा और ये यन साइन थीटा ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पार्थ की तरफ है, ये हमें सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो यंग साइन थीटा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट है जो हमें सेंटीपेटल फोर्स एम बी स्क्वायर अपन आर प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा और यंग कॉस थीटा इसके एम जी को बैलेंस करेगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यंग कॉस थीटा एक एम जी, और इधर यंग साइन थीटा लग रहा है ये एफ। अब हम फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लें। देखिए फ्रिक्शन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये है। अगर हम एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ले लें ये, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब फ्रिक्शन को अगर हम इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ आ जाएगा यफ साइन थीटा। मीन्स फ्रिक्शन के एक हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। और यफ को रिजॉल्व करेंगे इधर आएगा यफ कॉस थीटा, इधर आएगा यफ साइन थीटा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए फोर्स कौन कौन लग रहे हैं, यफ साइन थीटा एम जी दोनों वर्टिकल डाउनवर्ड है, यन कॉस थीटा वर्टिकल अपवर्ड है। बैलेंस क्या करेगा, यन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये पहला इक्वेशन बनेगा। आइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, एक यन साइन थीटा ऐड कर रहा है, एक यफ कॉस थीटा ऐड कर रहा है, ये दोनों मिल करके सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, कंसीडर अ कार ऑफ वेट एम जी गोइंग ऑन ए कर्व पाथ ऑफ रेडियस आर। कोई कार है जिसका वेट एम जी है जो कि एक कर्व पाथ आर रेडियस के कर्व पाथ पर वी स्पीड से मूव कर रही एक रोड पर जिसको थीटा एंगल से बैंगड कर दिया गया है। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल्स, इस पर फोर्सेज कौन कौन से एक्ट करेंगे, एक एम जी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रोड एक्टिंग एट थीटा एंगल विद द वर्टिकल, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा जो वर्टिकल से थीटा एंगल पर एक्ट करेगा। अगला फ्रिक्शन एफ एक्टिंग डाउनवर्ड अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, फ्रिक्शन जो है वो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होगा। अब फोर्सेज को अगर हम बैलेंस करें तो देखिए इक्वेटिंग द फोर्सेज इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स को इक्वेट कर दें तो यन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा यफ साइन थीटा प्लस एम जी। तो देखिए एम जी प्लस यफ साइन थीटा इक्वल टू यन कॉस थीटा, यहाँ से यन कॉस थीटा माइनस यफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। देखिए यफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू हो जाएगा यन कॉस थीटा, तो हो जाएगा एम जी प्लस यफ साइन थीटा इक्वल टू यन कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ से यन कॉस थीटा माइनस यफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा ये दोनों मिल करके सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे एम बी स्क्वायर अपन आर, तो यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपन आर, ये सेंटीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से अगर हम डिवाइड कर दें तो यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा माइनस यफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। अब आगे चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, आगे देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आएगा इसका। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप कैसे आप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा, देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड किया था यन साइन थीटा प्लस यफ कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा माइनस यफ साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी है। तो यहाँ से हम क्या करें कि यन कॉस थीटा कॉमन ले लें, तो हो जाएगा यन साइन थीटा अपॉन यन कॉस थीटा, ये हो जाएगा यफ कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा, और यहाँ पर भी यन कॉस थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा यन कॉस थीटा अपॉन यन कॉस थीटा वन हो जाएगा, ये हो जाएगा यफ साइन थीटा अपॉन यन कॉस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। यन कॉस थीटा एन कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यन एन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ यफ अपॉन एन बचेगा, यहाँ वन माइनस यफ अपॉन एन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा। अब यफ इक्वल टू होता है म्यू इंटू एन, तो यन म्यू इक्वल टू हो जाएगा यफ अपॉन एन, यहाँ पर हम म्यू राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम म्यू राइट कर सकते हैं, तो हो जाएगा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी आ जाएगा।
तो यहाँ से v इक्वल टू आ जाएगा आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपन वन माइनस म्यू टेन थीटा। ये मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी जब बैंकिंग भी की गई हो, फ्रिक्शन दोनों प्रेजेंट हो, तो मैक्सिमम इस स्पीड से आप चल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा से चलेंगे तो स्लिप कर जाएंगे। यहाँ पर म्यू क्या है, कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। टेन थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो जब एंगल की बैंकिंग भी किया गया हो और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट हो तो हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी v इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा। अब इसके स्पेशल केस ले लें, इफ देर इज नो फ्रिक्शन मीन्स अगर स्मूथ रोड है, फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ म्यू जीरो रख दीजिए और यहाँ पर म्यू जीरो रख दीजिए, तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी आर जी टेन थीटा। क्या आ जाएगी, आर जी टेन थीटा आ जाएगी। मीन्स बैंकिंग की गई हो लेकिन हम फ्रिक्शन को ना कंसिडर करें तो मैक्सिमम स्पीड वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा हो जाएगी, जो हमारी सेफ लिमिट होगी। अगर यहाँ इस स्पीड तक चलेंगे तो हम स्लिप नहीं करेंगे, अगर इससे ज़्यादा स्पीड से हम चलेंगे तो हम स्लिप कर जाएंगे। क्या करेंगे, स्लिप कर जाएंगे। तो जब फ्रिक्शन अब्सेंट हो लेकिन रोड की बैंकिंग की गई हो थीटा एंगल से, तो मैक्सिमम स्पीड होती है बी मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी टेन थीटा। ओके, अब एंगल ऑफ बैंकिंग देखिए कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर जी होता है। टेन थीटा इक्वल टू यहां से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपन आर जी हो जाएगा। यहां से देखें टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन बेस, न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है डी, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एच अपॉन डी आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इतने एंगल से आपको जो है बैंकिंग करना पड़ेगा रोड को सेफ टर्न होने के लिए, जिससे आप स्लिप ना करें। इतने एंगल से आपको बैंकिंग करना पड़ेगा रोड की सेफ टर्निंग के लिए, जिससे आप स्लिप ना करें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के विषय में। ओके, 2 मिनट लगेगा।